नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बिहार के वैशाली जिले के गौरोल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर हरशेर गांव के वाया नदी में बह रहे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश को पुलिस ने बरामद किया है। गौरोल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर हरशेर गांव के वाया नदी में बह रहे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश को पुलिस ने बरामद किया है। शव देखने से पता चला कि बहुत दिन पहले से नदी में था। इसी बीच जब एक बच्चा नदी में मछली पकड़ने गया तो देखा कि शव पानी में तैर रहा था। तभी गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। तभी मौके पर गौरोल थाना अपने दलबल के साथ पहुंची, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर पहले यह शव नदी के उस पार यानी भगवानपुर थाना क्षेत्र में था, जिसे धकेल कर इस पार यानी गौरोल थाना क्षेत्र में कर दिया गया है। इसको लेकर काफी देर तक हो हल्ला भी हुआ। शव से काफी दुर्गंध भी आ रही थी, जिस कारण कोई भी शव को उठाना नहीं चाहता था। सूचना मिलते ही गौरोल थाना अध्यक्ष संजीव कुमार और अवर निरीक्षक संजय कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करते दिखे। हालांकि देर रात तक शव को पुलिस कब्जे में नहीं ले सकी थी, परंतु काफी मशक्कत के बाद लाश नदी से निकाल कर पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेज दिया गया। लाइव टीवी समाचार के लिए मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट, बिहार वैशाली से।